सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में पीपी 142 के जिमनी इंतखाबात में दोनों जमातों के उम्मीदवारों में गर्मा गर्म बहस हुई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि इस हलके में गवर्नमेंट कॉलेज बना, 35 करोड़ से सैद मिठा अस्पताल और 33 करोड़ से ट्रॉमा सेंटर बनाया गया, 11 ट्यूबवेल लगाए गए और 60,000 फीट लंबी पानी की पाइपलाइनें बदली गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत कायम होने के बाद बिजली की अंदरूने शहर से बौसीदा तारे और गैस के पुराने पाइप बदलने का भी प्रोजेक्ट तैयार है। मलिक वकार ने कहा कि हल्के के मसाइल में सिवरेज, बुक माफिया, मंशियात फरोशी और गुंडागर्दी अहम है। ख्वाजा साद रफीक वफाकी वजीर रेलवे होते हुए अपने भाई ख्वाजा सलमान रफीक की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सरकारी यूनियन काउंसिलों के दफातर मुस्लिम लीग नून के दफातर बने हुए हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि ख्वाजा साद रफीक ने उनके किसी जलसे, जुलूस या मीटिंग में शिरकत नहीं की। अंदरून शहर उनका घर है जहां वो आ सकते हैं। सलमान रफीक ने कहा कि उनका किसी सरकारी इमारत में इंतखाबी दफ्तर नहीं है। उनका कहना था कि सिवरेज के मसाइल मौजूद हैं जिसकी जिम्मेदारी वासा के साथ साथ कम्युनिटी पर भी आती है। सलमान रफीक ने कहा कि उनके हलके में शरीफ लोग रहते हैं और वो हमेशा मजलूम का साथ देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने हलके से बुक का कारोबार खत्म करवाया है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हलके के अवाम उन्हें वोट दें क्योंकि ओपोजिशन के फंड से तो हलके की तीन गलियां नहीं बन सकती। मलिक वकार का कहना था कि 14 अगस्त को सिवरेज के मसाइल ने 5 साल हुकूमती कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है।